अरे नोटिफिकेशन कॉल भरा है, नोटिफिकेशन आ रहा है क्या? ओ अभी भी आ रहा है? हाँ बंद है तो। ए भाई बहुत सारे ग्रुप में हूँ मैं। नहीं जब से मैं व्हाट्सएप खोला तब से लेकर अभी तक का चैट वैसे ही। नहीं मेरे को मैं तो ऐसा चैट डिलीट फिलीट करना अच्छा नहीं लगता, मतलब लगता है वो आदमी का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया ना। मैं थोड़ी ऐसा हूँ टाइम आने से पलटी ना, तू कौन भी मैं कौन भी। चलिए ठीक है, देखिए क्या बोला, एक सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18। ये बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यही है सर्कल लाइन का या सर्कल पैराबोला, सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन लाइन सर्कल या पैराबोला सर्कल, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? पैराबोला पैराबोला किस्मत खराब हो तो, लेकिन ईजी है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा दिमाग वाला चीज़ है बस। तो ये लाइन हमको सर्कल दिया था और लाइन दिया था एक्स इक्वल्स टू वाई। सर्कल दिया इसको इक्वेशन वन इक्वेशन टू। सर्कल का फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको लिखना है। द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट अ सर्कल हुआ व्हिच हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, ठीक है, हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 का आर स्क्वायर का फॉर्म लिखना है ना? नहीं बात समझे? तो इसका अगर हम सर्कल ड्रॉ कर लें तो ये बन गया अपना सर्कल। ठीक से बनाओ रे, ठीक से समझो, नहीं समझोगे तो एग्जाम आ जाएगा, ठीक है ना? ये ओरिजिन हो गया 0 0, सर्कल ओरिजिन से और सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3√2 है, मतलब ये पॉइंट कितना होगा? 3√2, 0। ये पॉइंट कितना होगा? -3√2, 0। हालांकि हमारा ये काम का नहीं है, जितना रेडियस है उतना ही ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है? अब लाइन एक्स इक्वल टू वाई दिया लेकिन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ता है। तो लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कैसे निकालेंगे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 दिया था जहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई दिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जहाँ पे एक्स डाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 या 2x² = 18 या x² = 9, ठीक कर रहा हूँ? तो x = 3, +-3 आ रहा लेकिन हमको 3 लेना है। सो अगर एक्स 3 है तो वाई भी कितना होगा? 3 होगा। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया कि लाइन कहाँ से पास हो रहा है भाई, ये पॉइंट 3√2 है तो यहाँ पे आसपास कहीं पे होगा 3, 3, यहाँ से एक लाइन जा रहा है। एक पॉइंट से तो लाइन पास नहीं होगा, दूसरा पॉइंट भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एक्स इक्वल टू लाइन का इक्वेशन जो भी दिया गया उसमें ऐसा डब्बा बना लेना। ये डब्बा बनाना जानते हो ना, 8 लाइन से बना रहे हो। एक्स वाई लिखे, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू सेम है ना दोनों, जो एक्स होगा वही वाई होगा। मतलब आपको मिल गया कि लाइन कहाँ से पास हो रहा है? 3, 3 और 0 से। बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर? अब आपको क्या एरिया निकालना है? ये एरिया आपको निकालना है। प्यार में दिल पे दे गोली, ठीक है? तो कहाँ से कहाँ तक कब चल रहा, कब चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देख लो एक बार कर्व, अगर देखो तो यहाँ से लेके ये पोर्शन हमको निकालना है। देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन हमको एरिया निकालना है ना? ओरिजिन से स्टार्ट करना है हमेशा। ओरिजिन से लेके यहाँ तक जब पहुँचोगे, ओरिजिन से लेके यहाँ तक कौन सा कर्व है, कौन सा कर्व का नीचे वाला एरिया निकाल रहे? दो कर्व है यहाँ पे, लाइन और सर्कल। लाइन और 0 से लेके यहाँ तक क्या है? तो 0 से लेके यहाँ तक मतलब कहाँ तक? 3 तक। 0 से 3 तक लाइन चला और 3 से लेके कहाँ तक? 3√2 तक क्या चला? समझ में आया कि नहीं? नहीं सच बोल, कसम खा के बोल। निमेश मेरे सर आए, कौन सा चैप्टर फिर से कराऊंगा? कब बोला था मैं? क्या क्या चीज बे? एक मिनट, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन दोनों फिर से कराऊंगा। अबे यही वाला तो स्टार्ट किया अभी।
कुछ नहीं ऐसा। अच्छा एक नंबर कर दे रहा हूँ, ये नंबर खत्म कर रहा हूँ, फिर उसको इजी वाला नंबर दूंगा, उसको समझेंगे हम, ठीक है। नहीं ये, अच्छा ये यहाँ तक तो कॉमन चीज है भाई, यहाँ तक तो कोई अलग चीज नहीं है। अब देखो जो भी रीजन तुमको निकालना है, ये ऐसा वाला रीजन था, हो सकता है कि दो सर्कल का इंटरसेक्शन वाला एरिया निकल जाए, ठीक है ना, ऐसा होगा होगा, ये एरिया निकालना होगा। जो भी एरिया निकालना है हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करो आना, एरिया कहाँ से आ रहे हो, लेफ्ट से आए। ये कर्व दिखा तुमको, कर्व दिखा ना, कर्व है ना सारा, ये कर्व क्या है भाई, कौन सा सर्कल का कर्व है, सेकंड सर्कल का कर्व है, किस पॉइंट से किस पॉइंट जा रहा है देख लेना, फिर ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट से कहाँ तक है, दूसरा सर्कल का कर्व है, पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है। मान लो देखो ये पैराबोला, सपोज ये एक पैराबोला, हाँ एक पैराबोला और एक लाइन जा रहा है, मैं तुमको बोला ये एरिया निकालो, ये पॉइंट तुमको पता है, ये पॉइंट तो ओरिजिन दिख रहा है ना भाई, हाँ, और ये पॉइंट सपोज यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाने दो, कैसे निकालते हैं, एक का वैल्यू दूसरे में पुट करके इक्वेशन सॉल्व करना है यार, ये पॉइंट निकल गया एक्स वाई, इंटीग्रेशन लेना है, पहला ऊपर कौन सा कर्व है, पैराबोला का, तो जीरो से लेके एक्स पैराबोला का इक्वेशन, माइनस नीचे है ना, नीचे वाला पोर्शन का काटना है ना, जीरो से लेके एक्स किसका लाइन, बात समझ में नहीं। हम जब इंटीग्रेट करते हैं किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट जब मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो उसके अंडर के एरिया में निकाल रहा हूं, तुम जो यू मुस्कुरा रहे हो मार्क्स के पीछे, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो मार्क्स के पीछे, वाह वाह, ठीक है आ जाएगा आ जाएगा। मैक्सिमम जो हमको थोड़ा बहुत है, सच बोलो, अबे ये तो उससे मतलब केजीवान नहीं गिला, हाँ तुरंत आएगा, हाँ सच में, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम जिस बच्चे को थोड़ा भी आया समझ में, तो उसको सारा टॉपिक समझ में आएगा, ये प्रॉमिस है। हाँ केजीवान में तुम फेल हुए थे, कोई नहीं आती है, राइट टू एजुकेशन, एट क्लास तक सब पास, कोई फेल नहीं हो सकता, बस सरकार बोल दिया है आठ क्लास तक कोई फेल नहीं, ये चीज हम लोग के टाइम में नहीं था, हम लोग डराते थे तू फेल हो जाएगा, हमको पता नहीं था हो सकता होगा, हमको पता नहीं होगा, घर में बोलते थे तू फेल एट क्लास, मैं तो भयंकर पर रोना धोना चालू हुआ, भयंकर भयंकर रोना, फिर मम्मी बोली नहीं आप एप्लीकेशन लिखे हैं तेरे को प्रमोट किए सच में मेरे पापा है, पर गुस्से में बोले एक क्लास फेल, आओ थे पढ़ो, वाह एक क्लास, मेरे को लगा चिंता क्या बोले तो कि पापा नया बुक खरीद तो नहीं देंगे पुराना बुक पुराना बैग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बोले थे नया क्लास जाएगा तो नया बुक और नया बैग कर दूंगा मेरे को चिंता लग गया कि पुराने बैग लेके जाना पड़ेगा, मेरा बैग फट गया सच में, फिर थोड़ा मैं रोना धोना, तो बच्चा है तो एक क्लास फेल हुआ तो रोएगा ना, रोना धोना किया, फिर मम्मी शाम को आके बोले नहीं अंडर पापा वो एप्लीकेशन दिए, उस समय एप्लीकेशन बोलते थे अंडरटेकिंग, अब मैं जाना, पापा एप्लीकेशन दिए तेरे को पास कर दिए, अरे तो होना वाला था ना मेरे को एक, मैं मतलब फाइव क्लास तक मैं उड़िया को आ नहीं जानता हूँ लिखना, यहाँ पर एडमिशन करा सिक्स क्लास में गुरु नानक में, उसमें उड़िया सब्जेक्ट कंपलसरी, एट क्लास तक कंपलसरी है ना, मैं लाता था वन टू, मतलब वन टू अलग अलग लाता था यूनिट टेस्ट में वन, हाफली में टू, तो एवडिया में फेल, बाकी समय नहीं फेल हुआ था भाई, बाकी समय बढ़िया मांग लिया था मैं। अभी ऐसा सिस्टम हो गया ना प्रियंका, अभी ऐसा सब सिस्टम हो गया कि अब इतना फ्लेक्सिबल हो गया है, अब ऐसा है कि बच्चा बैठ गया है तो पास है, सच बोल रहा हूँ, अप टू एट क्लास का बात कर रहा हूँ मैं, नाइन टेन का बात नहीं कर रहा, अप टू एट क्लास बच्चा बैठा पास, उसको कोई किसका मतलब, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है कि फेल होगा, हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था भाई, समझे ना, उस समय तो पूरा खौफ था एट क्लास का रिजल्ट, दोस्त लोग बात करते थे भाई फेल ना फेल रैंक, स्टार्टिंग में खुशी लगता था दोनों फेल होंगे मस्त सच में, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, मेरे से जूनियर था एक साल, मेरे को अच्छा लगता था कि फेल हो जाऊंगा उसके साथ रहूंगा, कितना अच्छा लगेगा उसके साथ बैठूंगा बेंच पे कैसा बकवा बच्चों ने ना, पूरा मेरा दिमाग नहीं बोलती, मेरा दिमाग है उन्हें तो क्या है ना, फेल होने से खुशी लग रहा, क्यों दोस्त के साथ एक बेंच बैठेंगे ठीक है,
चलिए तो अच्छा इसमें से ये पोर्शन कितना को आता है थोड़ा बोलिए, अगर ज़्यादा को आता होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो आता है श्रिया प्रत्याशा को तो आता है जानता हूँ, दो लिप्सा तीन एक दो हाँ अनिवन सौजन सौम्या चार और किस हाँ नहीं इसके आगे वाला मतलब चार जन को आ रही है चीज़ ना, मतलब स्टार्टिंग से बताना बोल रहे हो ना। हाँ ठीक है जिनको आते हैं कंटिन्यू कर लो। वाह मैं ये पोर्शन थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ देखो। नहीं नहीं बाकी को देखो प्रत्याशा को मैं जानता हूँ कर लेगी, अनिर्वाण भी कर लेगा आराम से, सौम्या कर लिया होगा, ये लोग का ये तीन का मेरे को पूरा कंफर्म है, श्रिया भी कर ली होगी ना। हाँ मतलब आता है ठीक है, तो जिनको नहीं अब तो मैक्सिमम कर लिया उन्हीं को फिर समझा के क्या फायदा, थोड़ा ऐसे बढ़िया कि और एक बार थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करते हो ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फ्रेश आइडिया। वाह देखिए ये चैप्टर समझने के लिए देखिए कोई मेरे को बोल रहा था ये चैप्टर ना कोर्स में नहीं है, कोई बच्चा मेरे को बोला था वाह या मैं भी देखा हूँ भाई कोर्स में नहीं है, पर जितना सैंपल पेपर देखा हूँ सब में क्वेश्चन डाल दे रहा है ठीक है। तो मेरे को विश्वास नहीं है सैंपल पेपर, मतलब हो सकता है कि सैंपल पेपर गलत हो या हो सकता है कि जो लिखा है वो हम नहीं समझ पा रहे। एरिया अंडर द क्या बोला ये पोर्शन दिया कुछ कर्व पोर्शन है, वाह पता नहीं है कि नहीं है भाई, मैं उसका भी कंफर्म नहीं बोल रहा लेकिन समझ कर रखो भाई। हाँ वो तो इंटीग्रेशन तो भाई वो तो डमाडोल है ही, छोड़ो इसमें चार मार्क है आपका समझ जाएंगे अच्छे से। ये चैप्टर समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कर्व का, कर्व कौन सा किसका है ठीक है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए चार पैराबोला का कर्व होता है, वाह 11th क्लास है, चार पैराबोला का कर्व होता है। पहला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, देखो x पॉजिटिव है नहीं तो x की तरफ मुंह उसका खुलेगा समझ रहे हो। ये कर्व है लेफ्ट पैराबोला, ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, x माइनस है 4 है सब में कॉन्स्टेंट है भाई सब में 4 है माइनस x है, तो ये लेफ्ट का x की तरफ इसका मुंह खुला होगा। फिर अपवर्ड पैराबोला है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस वाई था तो इसका मुंह खुला। और लास्ट पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस वाई की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। चार पैराबोला का कर्व है, स्टैंडर्ड पैराबोला का बात कर रहे हैं वह, इसमें ऐसे कुछ ऐसा नहीं आता जिसका सेंटर को शिफ्ट करना पड़े, स्टैंडर्ड ही आता है। ये चार पैराबोला हो गया कर्व। अब देखिए समझिए सर्कल का इक्वेशन, अगर एक सर्कल ओरिजिन ओरिजिन पर उसका सेंटर लाई कर रहा है क्या कॉल है भाई कट, अब ठीक हो जाएगा। प्यार में दिल में मार दे गोली ले ले मेरी जान, नहीं वाह दूसरा गाने में हो जाएगा पूरा ऐसा नहीं गाना ये है हाई कुड़ी तो लचकी चाली सुने ये अनुपुर में ये गाने नहीं सुने तो मतलब भाई तुम बाहर के हो आ गया देखे कौन ली ओंटा ठीक है। तो ये आपका ये सर्कल है, इसका इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ये सेंटर से इसका सेंटर जो है ऑरिजिन पर है, अगर ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल। अब एलिप्स हाँ बोले, अब ये हो गया एलिप्स मान लीजिए वो अंडा का शेप का जैसा, ये बन नहीं रहा मेरा ओवल शेप का, ये एलिप्स है इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये एलिप्स का इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का आपको आइडिया होना चाहिए क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन से ही आपको ग्राफ बनाना है, जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक ये नंबर आप नहीं कर पाएंगे ठीक है। अब ये सब होने के बाद लास्ट बचा क्या, लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या होता है ठीक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है। किसी भी लाइन का जो इक्वेशन है वो भी है, किसी भी लाइन का जो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वही लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब लाइन का इक्वेशन है ना, समझ में आ गया। लाइन अब आपका ऐसा ऐसा कहीं से भी पास हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरसेक्शन, देखेंगे हम पॉइंट्स ठीक है उसका इक्वेशन के हिसाब से, ये आपको चीज़ थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहला काम है आपको ग्राफ बनाना है, समझ लीजिए क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद सेकंड होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, क्या निकालना
दोनों जो कर्व है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है ना। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, देखिए जैसे हम वो नंबर डिस्कस कर रहे थे, ये नंबर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वह, उसी को कंटिन्यू करूँ, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। क्या बोले, जैसे हमारा देखो, ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था, 18। ये दोनों में स्क्वायर देखे तो समझ जाना क्या है भाई, सर्कल, एक्स भी स्क्वायर है वाई भी स्क्वायर है, दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, फिर ये भी कंडीशन है, दोनों न्यूमरेटर में है तो सर्कल है। तो इतना देख के समझ में आ गया मुझको भाई ये क्या है, सर्कल है। क्यों, कहाँ से क्या देख के समझ में आया, समझ रहे, हाँ दोनों स्क्वायर देख के समझ में आ गया सर्कल, और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। क्यों, क्योंकि x के साथ ना ही कुछ माइनस हुआ, y के साथ कुछ माइनस नहीं हुआ, मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर होता है तो इसको स्क्वायर का फॉर्म में रखना है आपका, तब आपको रेडियस मिलेगा, बात समझ रहे। तो आर स्क्वायर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होगा, 3√2 का स्क्वायर। अगर आपको रूट नहीं निकालना आ रहा तो आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, जानते होंगे। तो ये आपको मिल गया क्या भाई, रेडियस मिल गया, 3√2 क्या है, रेडियस, समझो बात को। अब आता है एक, जैसे कर्व मिल गया, आप डायग्राम बना लीजिए, ये बन गया आपका सर्कल, ठीक है, सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा था, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये क्या है भाई, ये इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है ना, यहां से लेके यहां से क्या है, कोई सभी खींचो रेडियस है। और इस सर्कल का, गिवन सर्कल का रेडियस कितना है, मतलब 0 से लेकर 3√2, मतलब ये पॉइंट कितना होगा, 3√2। ऑफकोर्स एक्स एक्सिस है तो वाई कितना हो जाएगा, पहले तो समझ में आ गया 3√2 कैसे हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब आपका नेक्स्ट काम होता है क्या, कि भाई सर्कल तो है और दूसरा क्या दिया था, लाइन, लाइन दिया था आपको एक्स इक्वल टू वाई, आप दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना कहीं करना, कहीं ना कहीं पे तो एक सर्कल और लाइन मीट में होंगे ना, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ रहे बात। तो लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या, इक्वेशन सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10, जब 10 में नहीं याद है तो 12 में क्या याद होगा, समझ रहे होंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एक का वैल्यू को उठा के दूसरा में पुट करना। तो इक्वेशन वन से आप एक का वैल्यू उठा लीजिए दूसरा इक्वेशन में, यहाँ से वाई का वैल्यू आपको एक्स मिल जा रहा है, इसको इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए, समझ रहे बात। इक्वेशन टू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, समझ रहे बात। वाई का वैल्यू कितना मिला है, और कुछ बोले थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो ये क्या हो गया, 2x² = 18, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस थ्री दोनों हुआ, लेकिन दोनों से हमको मतलब नहीं, हमको पॉजिटिव से मतलब रहता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हमारा ध्यान रहेगा, बात समझ रहे। अगर एक्स का वैल्यू 3 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 क्या मिल गया, वाई का वैल्यू भी कितना हो गया। पूरा इस चैप्टर में हम कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं करेंगे जिसमें हमको वाई का वैल्यू का काम आता है। अगर आप डी वाई में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको वाई का वैल्यू लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा हम नंबर ही नहीं सीखेंगे कि वाई में करना पड़े, ना ही आपको कन्फ्यूजन हो। हम सिर्फ किस में करेंगे इंटीग्रेशन, डी एक्स में करेंगे, तो एक्स का वैल्यू से हमको काम है, याद रखो, हमको वाई का वैल्यू से कोई काम का नहीं, बस सुंदर दिखे इसलिए मैं दोनों पर निकाल लिया, थोड़ा सा लगेगा ना, एक्स इक्वल्स टू 3 एंड वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है निमेश नितिन, पूरा सो जा, बेहोश हो जा, दोनों बैठे बैठे पूरा हाँ पे हाय, हाय पे हाय, इनका देख के मेरे को नींद लग रहा है, मैं तो चादर पे जाकर सो जाऊँ, थोड़ा देर उठूंगा फिर पढ़ा दूंगा ना, नहीं फिर रिकॉर्ड ज्यादा हो जाएगा ना, मुझे इतना अपलोड होना मुश्किल है, इसलिए सो नहीं रहा हूँ। क्या करते हो रात को, नहीं ठीक है जो भी करते हो बोलो, नहीं पढ़ाई करो, पढ़ के अगर जगह तो अच्छा लगेगा, वाह फीलिंग हैप्पी, जिन्हें से मैं पढ़ाई कर रहा था, क्या खत्म कर लिया सर, फिजिक्स मोशन खत्म, मोशन है कि नहीं कुछ, जो चीज है ना वो खत्म कर लिया, तो सोचिए सर जो होगा उसका क्या हल होगा,
बोलोगे ना भाई। चलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, y का वैल्यू कितना मिल गया 3। वाओ, तो y का वैल्यू तो 3 मिल गया। हमको पता चल गया कि यहाँ पे एक सर्कल में एक पॉइंट है, कहाँ पे, ये अगर 3√2 है तो 3 पीछे होगा, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं 3 3 है, कितना पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है, लेकिन यहाँ से खाली पास होकर कहीं से ना कहीं तो जाएगा ना, तो उसके लिए हमको दूसरा पॉइंट भी खोजना है। जनरली हम खोजते हैं ओरिजिन के ऊपर पॉइंट, ओरिजिन के ऊपर पॉइंट मतलब x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो देखते हैं वाई कहाँ से होगा। तो कैसे बनाएंगे, x का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, x इक्वल टू वाई, ये टेबल बनाने जानते हो ना, बॉक्स क्लास 8 में बनाते हो ना, एक्स वाई लिख दिए। अगर एक्स का वैल्यू 0 ले लिया तो वाई का वैल्यू भी कितना मिल गया, दोनों सही माना भाई। और दूसरा पॉइंट पे मुझको मिला था 3 3, मतलब ये समझ में आ गया कि जो लाइन है वो 3 3 से और 0 0 से, तो 3 3 0 0 से लाइन खींच लो। निमिष यहाँ तक कहीं पे डाउट? अब आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, दोनों कर्व के बीच में, एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों कर्व और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में एरिया कौन सा आ गया, ये पोर्शन आया कि नहीं, यहाँ तक सोचने क्लियर? मतलब आपको इस पोर्शन का, ये जो ऐसा लाइन खींचा, इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। अब एरिया निकालना है मतलब क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट नहीं करना, यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन मतलब, समझ गए, इंटीग्रेशन तो करना ही है। अब इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा लिमिट लगाना है, क्या लगाना है, अब लिमिट क्या लगाना है कि आपको देखना है वो कर्व कहाँ से कहाँ मूव कर रहा, कहाँ से कहाँ, ठीक है, आपको आना लेफ्ट तरफ से, इधर से आना, टी टी पहुंचे कहाँ पे, जीरो पहुंचे, तो जीरो से, ये तो एक्स एक्सिस को देखना नहीं छोड़ा, एक्स एक्सिस क्यों देख, जीरो से देखे आप, यहां से आप स्टार्ट के एरिया निकालना है, लेकिन देखे आप जीरो से लेकर 3 तक भाई क्या है, लाइन है, तो आपको 0 से 3 इंटीग्रेट क्या करना है, लाइन का इक्वेशन को बताऊंगा कैसे इंटीग्रेट करना, 0 से 3 किसको इंटीग्रेट करना है, समझे, और तन्मय 3 से आगे बढ़े तो कहां तक गया, कहां तक जी, मैं बोला पर वाई से हमको काम है, किससे काम है, तो 3 से गए कहां तक, ये किसका कर्व है भाई, बात समझ में आ गया, तो आपको दो चीज को प्लस करना पड़ा, क्यों प्लस करना पड़ा, ये एरिया भी, ये एरिया दोनों एरिया चाहिए था ना, इसलिए हम प्लस किए, वो जो समझ रहे हो ना बात भाई, क्या प्लस किए, प्रतीक बोलो, लाइन ऑफ सर्कल, लाइन का कहां से कहां तक, 0 से 3 लाइन का इक्वेशन, और 3 से लेके किसका इक्वेशन, यहां तक बात क्लियर, तो लिखिए एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन 0 से 3 लाइन का इक्वेशन, तो सारा इक्वेशन आपको y का टर्म्स में डालना है, वाह, y का मतलब x का टर्म्स में डालना रहता है, y का वैल्यू आप लिखेंगे, लाइन 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 समझ गए, तो लाइन तो लिखोगे y, ब्रैकेट लिख दोगे ऑफ लाइन, ऑफ लाइन मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन वाला नहीं, y लाइन का dx लगाते हैं हम सब इंटीग्रेशन में, इसलिए dx लगा दी निमिष, उस तरह नेक्स्ट बोलो प्लस सर्कल के लिए क्या लिखूंगा मैं, सर्कल कहां से कहां तक चल रहा है, 3 से 3√2 क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, y ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ऑफ सर्कल, यहां तक पूरा क्लियर समझ में आ गया कि नहीं, सारा y का, सारा इक्वेशन y का टर्म्स में रहता है, सारा इक्वेशन y का टर्म्स में रहेगा, ठीक है, y ऑफ लाइन का मतलब क्या हो गया कि y का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू कितना है लाइन का, लाइन का इक्वेशन ये था ना, y का वैल्यू कितना है, x, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से 3 y ऑफ लाइन कितना है भाई, x x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 से 3√2 y ऑफ सर्कल, अब सर्कल का y कैसे निकालेंगे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, y को रख के बाकी सारे को ट्रांसफर कर दो, इक्वेशन सॉल्व करने जानते हो ना, प्लस y स्क्वायर जाके क्या हो गया, प्लस x स्क्वायर जाके माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस x स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, रूट ओवर ऑफ 18 माइनस, तो ये मिल गया y ऑफ सर्कल, समझ में आया ना रामगोपाल, पूरा क्लियर, तो y ऑफ सर्कल यहां पे कितना पुट करूंगा, रूट ओवर ऑफ 18 माइनस x स्क्वायर dx, अब इसको इंटीग्रेशन करना, ये जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लिखना, ये आप लिख दिए, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में जो हम 2-2.5 महीना कुछ किए थे वो सब तो पानी में चला गया, ठीक है, वो भी ठंडा पानी, तो अब इंटीग्रेशन धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, बढ़ेगा, ये एप्लीकेशन इंटीग्रेशन नाम है चैप्टर का, मतलब इंटीग्रेशन अभी आपको करना है, कितना टाइम हो गया देखो तो थोड़ा
8:46 टाइम हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को करेंगे। हाँ कल नहीं होगा क्लास, ठीक, मेरा कल ड्यूटी है। वाह स्कूल में ड्यूटी है ना। हाँ ठीक सीटीटी का, तुम लोग का स्कूल भी सस्पेंडेड है क्या? हाँ इसीलिए।